नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है हमारा आपकी मेरी बात। इस कड़ी में आज हम आपसे मुखातिब कराएंगे नाट्य निर्देशन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त राजकुमार जी। इन्होंने अपने जीवन में नाट्य निर्देशन, नाट्य कला में जितना कुछ भी जाना समझा है, आजकल पिछले कई वर्षों से ही अपनी सारी सोच के बीज यहाँ के युवा कर्मियों में, नाट्य कर्मियों में बोने के प्रयासरत हैं और टोंक को एक नाट्य मंच, एक समृद्ध नाट्य मंच देने में जुटे हुए हैं। तो नमस्कार राजकुमार जी। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, एक दुखद समाचार भी है हमारे बीच। इलाहाबाद से हमारे नाट्य कर्मी, नाट्य लेखक और काफ़ी ख्याति नाम व्यक्ति अनुपम आनंद जी, एक दुखद समाचार उनके लिए ये है, हमारे लिए, कि उनका देहावसान हुआ और आज उनकी अंत्येष्टि भी कर दी गई। इसलिए मैं राजकुमार जी चाहूँगा कि पहले हम उनको अपनी श्रद्धांजलि से, अपने भाव से उनको नमन करें और अपनी श्रद्धांजलि उनको प्रस्तुत करते हैं। जी, अब हम अपनी बात पे आते हैं। तो शुरुआत में तो राजकुमार जी, ऐसा है कि मैं ये चाहूँगा कि आप वहाँ से शुरू करें कि नाट्य कला का बीजारोपण, मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ से हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन से, बाल्यकाल से लेकर आप किशोर वय तक आए, फिर थोड़े से युवा होने लगे, और जैसा मुझे कुछ पता है कि आप अपने घर परिवार की किन हालातों से निकल के इलाहाबाद गए और इलाहाबाद से आप कलकत्ता तक गए, तो वो पहले वो जानना चाहूँगा कि ऐसे वो कौन से ऐसे एहसास थे जिन्होंने आपको अंदर तक छील दिया और वो एहसास आज आपको उस नाट्य की समझ और उसके निर्देशन में आपको प्रखरता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कुछ एहसास और ऐसी घटनाओं का जिक्र करें आप, तो शायद ये इसलिए ठीक होगा कि जो भी आदमी सोचता है, समझता है, उसको दिशा मिलती है कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं से हम कितनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं अपने कष्ट के दिनों में भी। प्लीज़ आप बताएं कुछ। ज़रूर। तो सभी को बहुत शुक्रिया और अनुपम सर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही अशोक सर का जो सवाल है उस पर मैं अपने विचार, अपने संस्मरण रखता हूँ। जी जी जी। एक तरह से तो अमूमन रंगमंच में बहुत लोगों की भांति ही हमारी भी शुरुआत हुई, एक बहुत ही बड़े रूपाली सपने के साथ, कि रूपाली पर्दे का एक नायक, एक अभिनेता के रूप में जी शायद मैं चमकूं। जी जी जी। और यात्रा का जो सिंहनाद है वो यहीं से ठीक है शुरू होता है। हाँ। तो इस पूरी यात्रा में इसकी शुरुआती जो स्टेशन है, अगर उसमें हम ये बात करें कि स्टेशन के रूप में समझने का प्रयास करें, तो दिखेगा कि एक परिचय और एक अस्मिता का जो सवाल है जी ना, तो जिस परिवेश में मेरा बाल्यकाल बीता, जिस माहौल में जी, तो वहाँ एक था कि एक पहचान, एक अस्मिता का सवाल जो है, तो एक पहचान बने, लोगों से बातचीत हो, लोगों मतलब एक रूपाली सितारे की तरह चमक सकूं जी, तो ये खलिश जो थी ठीक है पहचान की और अस्मिता की, वो उसने काफी मदद किया जी, जी। और जब बाद में जिस तरह से समझ कुछ कुछ बनना शुरू हुआ जी,
और जिस तरह से ये समझ विकसित होते गए, तो ठीक है जो अस्मिता और पहचान का सवाल है, जी असल में वो इतने बड़े हो गए कि बाकी जो चीजें थी वो बहुत उनका कद छोटा हो गया। ठीक है रूपाली नायक और सितारे बनने की जो हाइट थी वो इतनी छोटी हो गई उन सवालों के सामने कि वो सवाल ही एक तरह से मेरे मुख्य पथ प्रदर्शक बनने लगे। सुंदर बात है। अस्मिता और पहचान का जो सवाल था, ठीक तो जब मैं अस्मिता और पहचान की सवाल कह रहा हूँ जी 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 तो असल में शुरू एक व्यक्तिगत कोने में ही हुआ, फिर बाद में वो एक समुदाय का और फिर एक वर्ग की अस्मिता और पहचान के सवाल पे आके टिकने लगा। ठीक है और यहीं से रंगमंच जो है, पहले रंगमंच जिस हिसाब से मैं जुड़ा हुआ था कि एक अभिनय का अभ्यास करेंगे और आवाज और ठीक क्या है बुलंद डायलॉग और क्या पर्सनालिटी ठीक है निकलेगी, ये सारी चीजें तब्दील हो गई रंग विचार की में, ठीक है ये सारी चीजें तब्दील हो गई अस्मिता को गढ़ने की दिशा में। ठीक है और इस गढ़ने और रचने की दिशा में रंगमंच लगा कि ये एक ऐसा जरिया है, ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मेरे खुदा को मिटा रही है, मतलब उसको भरपूर कर रही है, जो मेरे ठीक है खुदा जो मेरी भूख थी ठीक है ना, तो इस दिशा में इस तरह से रंगमंच से मेरी उसके साथ एक गहरा ताल्लुक बनना शुरू हो गया। ठीक है और इन्हीं उथापोह में ही बंगाल जाना हुआ कलकत्ता में कि जी क्यों ना इस दिशा में पढ़ाई लिखाई हो। ठीक है तो मेरे दो मार्गदर्शक रहे हैं इलाहाबाद के, अभी भी हैं, जी मतलब रंगोली अग्रवाल और अजीत बहादुर। जी तो इन दोनों के अथक प्रयास से मैं बंगाल पहुंचा और बंगाल में भी रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन जो है नाट्य कला विभाग में होता है। ठीक है और वहाँ पर ही जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं कहीं दूसरे शहर में जहाँ पर आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका सपना ही है, कोई है नहीं आसपास, ठीक तो है एक रैन बसेरे की तरह एक जगह की आप तलाश करते हैं ठीक है और एक खूबसूरत जगह मिल गई मुझे, प्रवीर गुहा जो बहुत ही विश्वविख्यात नाट्य निर्देशक है, जी रंगमंच जनक हैं वो, तो उनके साथ काम करने का और उनके साथ ही रहने का एक मौका मिला। तो जो पहचान के जो सवाल थी, पहचान का जो जी अस्मिता का जो सवाल था, जी 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 वो इतना मजबूती स्वरूप लेने लगा, इतना मजबूत स्वरूप लेने लगा कि वो एक रंगमंच के आकार में वो बनना शुरू हो गया। और प्रवीर गुहा के साथ जब मुलाकात हुई जी तो मुझे एक भाषा पकड़ में आने लगी कि मेरे रंगमंच की क्या भाषा हो सकती है, ठीक है मेरे रंगमंच की क्या शैली हो सकती है जिसमें अस्मिता और पहचान के सवाल को खोजा जा सकता जा है। सकता है तो इस तरह से ये आगे और इतना आगे बढ़ चुका है कि वो रूपाली रूपाली जो उसकी जो ऊंचाई थी, रूपाली अभिनेता की जो ऊंचाई थी जी वो कहीं दूर खो गई है और ठीक उसकी जगह कुछ नए सवाल, कुछ नया रंगमंच का जो जोश है वो अनवरत रूप से बढ़ता ही एक छोटा चला सा है। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि अगर आपके शब्दों को मैं और थोड़ा सा आसान करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभिक स्थितियों में जिन्होंने आपकी नाट्य सोच को या आप में जो इसके इसके लिए जो भूख थी लस्ट थी उसको पहचाना जिन लोगों ने, नॉर्मल ये होता है कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए जीवन में तो वो हमारे आइडियल हो जाते हैं शुरुआत में, और उसमें एक दुर्घटना ये भी होती है कि हम उन्हीं को ओढ़ने बिछाने लगते हैं। अच्छा सही है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ आपके संग? हाँ निश्चय ही हमारे साथ भी हुआ है और आइडियल की जो एक अवधारणा होती है अमूमन जी एक लेमैन के साथ हाँ भी हाँ कि आपका आदर्श इस दिशा में आदर्श कौन है ठीक है या किस तरह से है, तो निश्चय ही इस पूरे खोज का जो विन्यास है पूरा ठीक है
इसमें भारत में निश्चय ही प्रवीर गुहा जो है उसमें ठीक अग्रणी है मेरे ठीक उस कार्य के आदर्श में, और उन्हीं से ही फिर आगे की जो कड़ी जुड़ती है वो जुड़ती है हबीब तनवीर के साथ। ठीक है। कि हबीब तनवीर का जो नया रंगमंच है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, क्या क्या बहुत ही। परिवर्तन लाए वो? तो हबीब साहब का जो पूरा रंगमंच है उसने मुझे अपने स्थानीयता को खोजने और गढ़ने में ठीक काफी है मदद किया, ठीक है, क्योंकि स्थानीयता का भी सीधा संबंध जो अस्मिता और पहचान के बिल्कुल साथ बिल्कुल बहुत बिल्कुल, जुड़ा वो हुआ आपकी होता पहचान है। करता है। हाँ, तो इस तरह से उसने कुछ सवाल पैदा किए। ठीक है। इसी कड़ी में हबीब तनवीर के साथ ही जर्मनी के नाट्यकार नाट्य निर्देशक काफी जी टोल ब्रेस्ट का, तो उनकी जो रंग पद्धतियां हैं जी और उनका जो पूरा जीवन है, जिस तरह से वो हिटलर के बरक्स खड़े हो जाते हैं साहित्य अपने रंगमंच को लेकर, ठीक है। ना पूरी जो फासिस्ट शक्ति के विरोध बरक्स में हाँ विरोध में वो खड़े जिस होते तरह हैं। से नाटक को लेके खड़े होते हैं और अपनी रंग विधियों को, वो और हबीब तनवीर और इधर प्रवीर गुहा, इन तीनों ने काफी सवाल पैदा किए ठीक मेरे है रंगमंच को खोजने और उसको गढ़ने की दिशा में। ठीक और वो सारे सवाल जो है उसी कहीं ना कहीं जाके वो अस्मिता और पहचान से चिपट जा रहे थे, तो उसने काफी मजबूती दी। और इसमें एक व्यक्तित्व और भी हैं जी जिन्होंने एक तरह से कह देंगे कि पूरी जो रंग भाषा है ठीक है। वो गढ़ने में बहुत ही मदद की। वो है पश्चिम बंगाल के ही, मतलब वो ये सारे नाम जो है भौगोलिक क्षेत्र से मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये समय सीमा के पार जा चुके हुए सही लोग सही हैं। सही तो बादल सरकार साहब से बहुत जब बड़ा नाम मुलाकात हुई और जब मैंने उनसे मतलब गुफ्तगू और वो चीज़ें जानना समझना शुरू किया, वो ठीक बहुत है ज़्यादा मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, हाँ लेकिन कुछ कुछ घटनाओं में कुछ मुलाकातें हुई हैं और बाकी उनके बारे में पढ़ना लिखना से ही कुछ चीज़ें बन पड़ी ठीक है और जो विमर्श में शामिल रही हैं उनके मुद्दों को लेकर। तो इस तरह से उन्होंने रंग भाषा को गढ़ने में काफ़ी मदद की और बाकी जो आदर्श रहे हैं उन्होंने सब उस रंग भाषा में उस सवाल को खोजने के रास्ते को बनाने में काफी मदद की। तो पूरा एक समग्र कंपाउंड सा दिखता है ठीक प्रवीर है गुहा, हबीब तनवीर, बटोल ब्रेस्ट और बादल सरकार को लेके ठीक है। इस तरह से। अब मैं इस बात को थोड़ा सा पलट के पूछ लूँ अगर कि चलिए पिछले 5 दशक ज़्यादा नहीं या 7 दशक पर हम थोड़ा एक विहंगम दृष्टि डालें हैं तो नाटक की स्थितियों में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप? इससे पूर्व के नाटकीय मंचन, उनकी प्रॉपर्टीज, लाइट एंड शेड के उपयोग, भाषाई उपयोग, या उसकी जो नाट्य स्क्रिप्ट है उसमें परिवर्तन सोच में कुछ आया है? तो देखिए, इसको इस तरह से आपके सवाल पर मैं इस तरह से उसका एक विचार रखने का प्रयास करता हूँ, उसको बांधता हूँ एक जी फ्रेम में, एक गठरी में, कि रंगमंच जो है ठीक है वो निरंतर जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो है रंगमंच जीवन जो है वो रंगमंच को प्रभावित बहुत करता है। कुछ देता है हाँ, हाँ या कह लें कि जो पूरा हमारा बदलता या अनवरत परिवेश चलना वाला जो जीवन है ठीक है वो रंगमंच में हमें आता बहुत दिखाई दिखता देता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो विषय वस्तु है, निश्चय ही हर नाटक का अपना जो विषय वस्तु है वो एक बनी बनाई व्यवस्था और बन रही व्यवस्था के में जो खामियां हैं, जो संघर्ष है, उसको वो बाहर लेकर ठीक आता है है। ठीक है तो हर नाटक अपने आप में एक प्रतिरोध की
की ध्वनि है, देता है। हाँ। ना वो कोई सा भी चाहे नाटक हो, चाहे वो भारतेंदु का नाटक हो या इप्सन का नाटक हो, तो कोई भी नाटक हो एक एस्टेब्लिशमेंट के बरक्स ही अपनी मतलब उसके विरोध में ही अपने सवाल खड़ा करता है। ठीक है, तो हम हाँ। तो इस दिशा में देखेंगे कि कथानकों में जिस तरह से समय समाज बदल रहा है, हमारा हमारी जीवन शैलियां बदल रही हैं, हमारा सामाजिक परिवेश में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो जिस तरह से बदल रहा है, उस तरह से नाटक भी बदले हैं। और कुछ विषय वस्तु तो एक तरह से बोलें तो बहुत ही प्राचीनतम ही है, जो अभी भी अनवरत है, जो इंसान के बचने के जो सवाल को गढ़ता है, चाहे वो शूद्रक का नाटक हो, चाहे वो सोफोक्लीस का नाटक हो, और चाहे वो बिज्जी की कहानी ही क्यों ना। बहुत अच्छा ना, तो इस तरह से वो कुछ आदिम सवाल हैं जो नाटक में रहेंगे ही। उसकी जो ढांचे में अगर हम देखें किस तरह से जो बदलाव हुआ है, मूल बात वही, हाँ, वो बहुत ही अलग प्रकार का बदलाव हुआ है। और उसका सीधा संबंध इसी तरह से ही है कि जैसे जैसे तकनीकी आविष्कार और प्रयोग होते रहे हैं हमारे सामाजिक जीवन में, ठीक है, हमारे राजनीतिक जीवन में, वो नाटकों में दिखता है। तो उसमें से दृश्य विन्यास को लेकर देखेंगे, मंच सज्जा को लेकर देखेंगे, तो काफी प्रयोग हुए हैं। और उसमें जो एक बहुत ही भीषण प्रयोग है अभी वर्तमान में वो है प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का और उसके इल्यूजन्स का। तो लाइट काफी प्रभावी रही है, निश्चय ही लाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो देखेंगे कि जहां एक तरफ मुक्तांगन रंगमंच है, खुले आकाश तले जो प्राकृतिक प्रकाश है उसमें जिस तरह से रंगमंच हो रहा है, वहीं देखेंगे कि कुछ मतलब डिज़ाइन किए गए लाइट्स हैं, उसके अलग अलग चीज़ें हैं, और लाइट्स की अपनी एक ऐतिहासिक यात्रा दिखाई पड़ती है रंगमंच में। बिल्कुल। तो डब्बेदार डिमर से लेके अभी मतलब मान लीजिए चैनल डिमर तक की जो जर्नी है, और जो लेजर लाइट तक की जो जर्नी है वो बहुत ही रोचक रही है। और अभी उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंट्री कर चुका है, वो है प्रोजेक्टर, ठीक है ना। तो लोगों ने सिनेमा और रंगमंच की जो दूरियों को भी मिटाने का काफी मिटती तो नहीं है मतलब एक उस तरह के बहुत प्रयोग किए गए हैं इसमें। जब स्लाइड वाला प्रोजेक्टर होता था, स्लाइड डाल डाल के लोग रिफ्लेक्ट करते थे, तो उस समय भी रंगमंच में काफी प्रयोग हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि कोई भी नई वस्तु अगर हमारे समाज में आती है तो वो रंगमंच में जरूर दिखाई पड़ती है एक बार के लिए। सही कह रहे हैं ना, तो क्योंकि रंग वो जीवन जो है काफी प्रभावित करता है। तो लोग अपनी घटना को कहने के लिए, लोग अपनी घटना को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के वस्तुओं का भरपूर उपयोग करते हैं। अब इसमें एक बहुत ही अलग सी घटना भी घटी है कि मान लीजिए जब आप बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जिन पर कभी बातचीत की जा सकती है कि लाइट का इतना भरमार है उसके अंदर, इतना इतना ज्यादा हो, मतलब होता है ना अति भी दिखती है आपको कि वो लाल गुलाबी नीले रंग में कोई घटना घट रही है और वहां से अभिनेता जो है खराब करती है स्क्रिप्ट को, चला आ रहा है। जब आपको कलर मिल गया तो आपने कई बार कलर को कहीं भी पोत दिया वो। तो इस तरह की भी चीजें हैं, कलर की भाषा को ही खराब कर देता। सही है। तो जो एलईडीज हैं, एलईडी जो लाइट है, बहुत सतर्क, जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत होती है कि आप असल में उसका किस तरह से उपयोग और प्रयोग कर सकेंगे ना। ऐसा नहीं है कि सब आपने सभी प्लेट, तो इस तरह की चुनौतियां भी रही हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा चीज है तो आपने काफी उसका मतलब इस तरह से उसमें कलर को लेके काफी चटकदार कलरों को लेके काफी एक चलन पड़ा, ज्यादा सुखद है नहीं ऐसा लगता है। मतलब आपको लगेगा कई बार कि कालिदास का जो नाटक है, हाँ, शकुंतला, आप वो एक में बैठ के देख रहे हैं, मतलब इस तरह की डिस्को में बैठ के देखने, डिस्को में आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं प्रयोग के वो अलग इतर बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही, मैं वही कह रहा हूँ कैसे संयोजन कर, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट तो होता ही, हाँ, कैसे आप उसका एक संयोजन करें ना, कि जब प्रकाश है तो प्रकाश ही दिख रहा है उसमें, जब प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर अरुचि जगाता है।
तो इस तरह की चुनौतियां भी रही हैं इन सारे जो इसके रंगमंच का जो आवरण है उसमें इन सारी इस प्रकार की चुनौतियां भी दिखी हैं, जबकि मेकअप और कॉस्ट्यूम में काफी इंटरेस्टिंग प्रयोग हुए हैं। जैसे यहाँ आपके राजस्थान में ही एक रंग व्यक्तित्व है राजेंद्र पांचाल जी, ठीक है, उन्होंने अंधायुग में वस्त्र डिजाइन किया था, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग जो घरेलू बर्तन है जो किचन के बर्तन है उनको शामिल करते हुए, अच्छा, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ डिजाइनर्स ने काम भी किया है ना, लेकिन ये सारे काम बहुत ही कम है, सही है। बहुत ही कम है। तो इस तरह से बदलाव ठीक है, है इसके अंदर। अब मैं बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पे आ रहा हूँ कि जब इस, मैं तो कहूँगा कि रास्ते पे चल पड़े, तो आपके जीवन के प्रारंभिक नाटक कौन जिनमें आपने निर्देशन किया, अच्छा, और वो कहाँ कहाँ हुए, थोड़ा सा बताएं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हम लोगों ने जो नाटक किए वो शुरू में इस तरह के ही नाटक थे, बहुत ही इम्प्रोवाइजेटरी नाटक थे, और अभी भी क्योंकि हम लोग जिस तरह के नाट्य प्रयोग में शामिल है, जिस तरह से सवालों को कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है बहुत सारे नाटक जो है स्थापित नाटकों का भी कंटेंट हो, हाँ, ना, और उसी कंटेंट को बेस करके फिर आगे की इम्प्रोवाइजेटरी सीढ़ियां बनाई जाती हैं और उसको रचा जाता है, ठीक है। तो इस दिशा में देखेंगे मेरे जो शुरुआती नाटक रहे हैं वो प्रवीर गुहा का लिखा हुआ एक नाटक है जयवती कन्या, ठीक है, तो उसका निर्देशन किया है, अच्छा, अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, और उसकी कई प्रस्तुतियां कलकत्ता में भी हुई थी शुरुआती दिनों में। ये बात है सन 2001 और 2 के आसपास की, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इम्प्रोवाइजेटरी नाटकों का ऐसा सिलसिला चला, फिर 2002 में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटी थी इस देश में, खासकर गुजरात में, तो उसको फोकस करते हुआ एक नाटक है सपनों का अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ द ड्रीम्स, अच्छा है, तो वो हुआ, और वो सारे नाटक अधिकतर मुक्तांगन पे में हुए हैं, और उसकी प्रस्तुति भी इलाहाबाद में हुई है, ठीक है, इलाहाबाद के राष्ट्रीय नाट्य NCZCC उत्तर मध्य क्षेत्र में हुई है, और विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुई है। और इसी कड़ी में देखेंगे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक नाटक है, मतलब लघु नाटक है, हवालात, युवाओं की बात करता है और देश की राजनीति की बात करता है। तो जिस उस नाटक में कालजयी राजनीतिक व्यवस्था जैसी दिखती है कि वो जब, मतलब वो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को पकड़ के लाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो अभी भी मतलब बहुत ही प्रासंगिक है, हाँ, जिसको काटा नहीं जा सकता, हाँ। तो इस तरह, तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है हवालात, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो निर्माण है हम लोगों ने कलकत्ता में किया, अच्छा, और तमाम प्रकार के महोत्सव में हम लोग जैसे नाटकों को भेजा करते थे, हाँ। तो उस नाटक को भी हम लोगों ने, मित्र मंडली ने भेजा, हाँ। और उस समय एक नाटक नाट्य दल भी हम लोगों ने बना लिया था, ठीक है, एक्स्ट्रा एन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो वो नाटक जो है दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है उसका एक महोत्सव होता है, अच्छा, भारत रंग महोत्सव। तो उस भारत रंग महोत्सव में उसका चयन हुआ उस नाट्य प्रदर्शन हवालात का, ठीक है, और उसकी प्रस्तुति हुई। फिर उसी के बाद ही अगली कड़ी हुई अंतोन चेखव की एक कहानी है टेढ़ा दर्पण, उसका, अच्छा, इंग्लिश में वो कहानी मिली नहीं, तो उसको इंग्लिश में उसका नाम हमें मालूम नहीं है, कभी उस तरह से वो दिखा नहीं। हिंदी में जो इस तरह से वो डोबराल साहब का अनुवाद है, अच्छा, तो उसको टेढ़ा दर्पण के नाम से उस कहानी को जाना जाता है, ठीक है। तो उस टेढ़ा दर्पण कहानी पर हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया, और उस वक्त सर्व शिक्षा अभियान और जो भी अयोध्या का बाबरी मस्जिद को लेके जो सारे केसेस चल रहे थे, तो उस पर वो पूरा नाटक उस तरह से डेवलप हुआ। तो क्या इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने पड़े?
हाँ वो ये नाटक अपने आप में बहुत ही बहुत अलग था ये तुमने चेखव नाटक। तो अपने आप में एक अलग लेखक की उसमें तो एक अलग व्यक्तित्व है सही है। और तो बहुत नाजुक मिजाज भी है। या हाँ तो टेढ़ा दर्पण जो है एक अभी तक के रंगमंच अनुभव में एकदम अलग प्रकार का नाटक रहा है। उस नाटक को मान लीजिए टेढ़ा दर्पण जो कहानी है चेखव की, वहां से कंटेंट ले लिया गया, ठीक उसके है। मुद्दे को ले लिया गया है, और प्लस जो हम लोगों के यहाँ का प्रासंगिक मुद्दे हैं उनको ले लिया गया है, जो उस मुद्दे को कम्प्लीमेंट करता है, जो उस सही मुद्दे के साथ एक बोगी बन जाता है ट्रेन सही की है, सही है, तरह। सही है। वो एक ऐसा नाटक है कि सोच लीजिए वो नाटक का ढांचा तो बन जाता है, उस नाटक के ढांचे को तैयार किया गया, कई महीने लगे, लेकिन वो प्रस्तुति से पूर्व उस नाटक उन में जो अभिनेता है वो आसपास के जहां तक वो माहौल में घूम सकते हैं, मान लीजिए अगर फलाने मोहल्ले के बीच में वो प्रेक्षागृह है, वो ऑडिटोरियम है, ठीक है, तो उससे जितना दूर वो जा सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाजार में मोहल्लों ठीक में, है। तो वो घूमते हैं और वो वहां से उस पूर्व में तैयार कंटेंट के अनुसार वो कुछ बातचीत करते हैं और वहां से डायलॉग लेकर आते क्या हैं, बात है। और उसी दिन शो प्रस्तुति से 1 घंटे पहले उनको आना होता क्या है, बात और वो 1 घंटे का जो समय है प्रस्तुति से पहले का, उसमें उसका काट छांट और संपादन की प्रक्रिया चलती है, और फिर वो डायलॉग जो है बोले और कहे जाते हैं मंच बहुत पर। यादगार स्थितियां हाँ हैं ये, बहुत। और बहुत इसका भी यादगार। प्रस्तुति फिर वही इसी भारत रंग महोत्सव में इसकी 2 प्रस्तुतियां हुई बैक टू बैक। एक दुस्साहस किया मैंने बहुत अच्छा। अपने मित्रों के साथ, रंगकर्मी मित्रों के साथ मिलके, और बहुत ही भीषण दुस्साहस किया कि धर्मवीर भारती साहब को पकड़ लिया, ठीक है और एक बहुत ही पॉपुलर उनका उपन्यास है, उस पर फिल्म भी बनी है, सूरज का सातवां सातवां घोड़ा। घोड़ा। हाँ तो सूरज के सातवां घोड़ा के जो पात्र थे असल में, वो ही पात्र मेरे मोहल्ले में, ऐसा लगता था कि वो पात्र मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं। बहुत खूब। तो वो उपन्यास जब मैंने उसको पढ़ा था 99 में 2000 में, तो वो चिपट गया था एक तरह बिल्कुल से सही, मेरे है भी साथ। ऐसा ही, लिखा भी ऐसा हाँ गया तो ऐसा लगता है कि वो सारे पात्र जो है है। मेरे मोहल्ले के ही हैं, हाँ उसमें जो गंगी है, हाँ उसमें जो अभी देखिए मैं बोल रहा हूं, तो वो सारे मेरे मोहल्ले के पात्र मेरे अंदर सामने आ आ गए। रहे हैं। हाँ तो उस उपन ये जो लघु उपन्यास है, नाट्य रूपांतरण किया हम लोगों ने, शुरू में कहा था कि ब्रेटोल ब्रेस्ट, हबीब साहब और बादल जी, प्रबीर गुहा, ये सब का ये लोगों ने काफी प्रभावित किया है मुझे अपने रंग मंच में, और एक तरह से आदर्श वाली स्थिति में भी रहे हैं, खड़े रहे नेचुरल खड़े रहे हैं। तो इन सभी भी है कि के जिनसे अपन सीखते हैं उनके प्रति एक श्रद्धा भाव या एक अपनत्व पैदा हो ही जाता है, उससे हाँ बच नहीं सकते। सही है। तो इनके सारे रंग प्रयोगों को देखते हुए कुछ नया, एक रंग प्रयोग, एक नया सवाल खड़ा करते हुए, अभिनेता की अस्मिता को लेते हुए एक प्रयोग किया गया उसमें। तो उसमें क्या था, ब्रेटोल ब्रेस्ट की एक नाट्य विधि है, अभिनय विधि, उसको लिया गया। दूसरा जो हम लोगों ने था ना, चरित्र भाव भावाकरण, कैरेक्टर एक्सप्रेशन, तो ये दोनों विधियों को मिला के एक प्रयोग गया। ठीक है। और आपको बताऊं मैं कि ये प्रयोग जो है इसका इसकी जो शुरुआत है आपके राजस्थान में, बाजू बगल में एक जिला है सवाई माधोपुर, जी। तो सवाई माधोपुर जिले के सुदूर गांव भगवतगढ़ में अच्छा, इसका निर्माण किया गया, वाह। और इसमें काफी अलग अलग जगह के लोग जुड़े हम लोगों से, गुटवस्की इंस्टीट्यूट के लोग जुड़े, और कलकत्ता के रंग मित्र जुड़े, और इलाहाबाद के रंग मित्र जुड़े, दिल्ली के रंग मित्र जुड़े, और काफी लंबा करीब 7-8 महीने का ये निर्माण प्रक्रिया निर्माण चली। अच्छा। और उसमें पूरा ये पूरी जैसे हबीब साहब की बात करूं, तो इसमें हबीब साहब आपको दिखते हैं इसके संगीत सृजन में, इसके लोक में, इसका जो लोक की उपयोग है उसमें दिखते हैं। ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा तैयार किया गया, और इस पूरा जो नाटक है इसका पूरा जो इस पूरे प्रक्रिया को जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने इस पूरे प्रयोग में हमारे साथ खड़े रहे, वो
इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स नाम की एक संस्था है बैंगलोर में, वो खड़ी रही अच्छा और उन्होंने काफी इसको प्रमोट किया, सपोर्ट किया। तो इस नाटक की प्रस्तुति भी फिर भारत रंग महोत्सव में हम लोगों ने किया। तो इसकी प्रस्तुति दिल्ली में भी हुई और चेन्नई में भी हुई। तो और उसमें पूरे जो सूफी संगीत और आपका डुढ़ाड़ी का जो संगीत है, भोजपुर का जो संगीत है, जो अच्छा। अवध का जो संगीत है, क्या बात, जो बंगाल के पुरुलिया का जो संगीत है, उससे पूरा लैस था ये नाटक। एक कैरेक्टर की तरह उसमें आपको संगीत नजर आता था कि हर कैरेक्टर के साथ एक संगीत उसमें बना हुआ बनाया गया था। क्या बात। तो इस तरह से कुछ नाटक हैं जो प्रस्तुत हुए हैं और टेढ़ा दर्पण की प्रस्तुति आपके कई जगहों पर भी हुई है। तो इस तरह से कई नाटकों की प्रस्तुतियां हुई हैं अलग अलग दर्शकों के समक्ष। और क्या है कि मैं दर्शक को हमेशा बहुत महत्वपूर्ण, मतलब नाटक का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है ही है दर्शक, लेकिन मैं दर्शकों को कुछ समझाने का प्रयास नहीं करता हूँ नाटक में। दर्शकों से मैं बात करने का प्रयास जरूर करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो दर्शक है वो इस तरह से अपनी स्थितियों को समझता है कि अगर बाजार में दो डलिया में आलू रखा हुआ है ठेले पर, तो उसको पता होता है कि उसको कौन सा आलू लेना है और कैसे वो आलू को छांटता है। तो उसको अपने जरूरत के अनुसार चीजों को बनाने की जो सहूलियत और जो हुनर है वो तो है उसके पास। इसलिए हमें लगता है कि हमें तो बात करनी है उनसे, समझाने की जगह उनसे उनके सामने कुछ सवाल रखने चाहिए और उन सवालों के मद्देनजर कुछ बातचीत करनी चाहिए ना। तो हमारा जो पूरा नाट्य प्रक्रिया है, जो पूरा नाट्य जगत है हम लोगों का, वो इन सवालों को ही खड़ा नहीं। यहाँ तो एक बात से तो मैं सहमत हूँ आपकी कि अगर हम किसी को समझाने जाएंगे तो हमारी अप्रोच उतनी मीनिंगफुल नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं आपको स्वीकारा जाए जिस तरह से आप अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे विरोध करता हूँ बात का, असहमति जाहिर करता हूँ कि अगर हम ये मान लें कि दर्शक समझदार ही है तो फिर नाटक की, साहित्य की जरूरत कहाँ है। इफ अगर ये टिकट ग्रांटेड है कि उसे इतनी समझ है कि उसे बेस्ट सब्जी या फल खरीदना है और वो चुन लेगा, लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहाँ ऐसे एस्पेक्ट सामने आते हैं कि वो तो राजनीतिक स्थितियाँ नहीं समझता, अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ नहीं समझता, यहाँ तक कि अपनी सामाजिक स्थितियाँ नहीं समझता। वो उन विसंगतियों में जीता जा रहा है और उन्हें स्वीकारता रहा है। तो आपका नाट्य मंच या साहित्यिक विधाओं में जितनी भी विधाएं हैं और कलाएं हैं वो सब तो अवेयरनेस, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि हम व्यवस्था के खिलाफ विरोध के स्वर पैदा करते हैं और उन स्वर, वो स्वर आपके इसलिए होते हैं कि आप डायलॉग कर सकें समाज से, दर्शक से। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। लेकिन वो डायलॉग अगर सिर्फ ये मान के अगर हम चलेंगे कि वो समझदार हैं, हम तो समझदार को क्या ज्ञान देना, तो शायद हमारी गति में अवरोध आएगा, ऐसा मेरा विचार है। हाँ, इस पर मैं एक बात जरूर जरूर कहेंगे। हाँ कि देखिए, हम लोगों ने ये कहा है कि दर्शक को समझाने के फिराक की जगह हमें कुछ सवाल खड़े करने चाहिए उनके सामने, ठीक है, और उन सवालों के आसपास जो है, जो पूरे जीवन की बुनाई है, जो जवाबों की जो बुनाई है अप्रोच ना, तो अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो क्या कि एक साझेदारी का, सवालों में एक साझेदारी का, जवाबों में साझेदारी की जिम्मेदारी बनाई जा सकती है। नहीं बिल्कुल, यहाँ आप बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो जब तक आप प्रश्न नहीं उछालेंगे तो दर्शक उनसे उन प्रश्नों में से गुत्थम गुत्था कैसे हुए। हाँ हाँ, और इसमें पूरी प्रक्रिया में एक बात यह भी कि पूरा एक रंग संवादों में एक पूरा प्रयास ये किया जाता है कि भाई इन तमाम व्यस्तताओं में कैसे वो इस सवाल के साथ उठे बैठे जागे ना। ठीक है, तो
इस तरह से हमें लगता है कि अगर सवाल जाते हैं तो सवाल कुछ बेचैनी अगर पैदा कर पाए ना, तो ज्यादा प्रभावी होंगे। दूसरी बात यह कि सवाल ही सवाल को ही इतने रोचक तरीके से निर्माण किया जाए ना कि वो उनके अंदर बेचैनी को पैदा करे, यही नाट्य कला है, कि वही अंदर बेचैनी को बेचैनी। जागृत करे और वो कुछ सोचने पर, पुनः पुनः सोचने पर मजबूर हो जाए उस प्रस्तुति के साथ। तो ये तो बड़ी सफलता की बात है हाँ, नाट्य कुछ कला की। इसी हाँ, तरह से। चलिए आगे अपनी बात करें कि बहुत, फिर छोटा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न। अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया मेरे ख्याल से, जैसा आपने बातों में अपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से 2 दशक से ज़्यादा से आप कंटिन्यू उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। मतलब वो पीरियड छोड़ दिए जब आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ रहे थे प्राथमिक स्तर पर, वो समय छोड़ दीजिए, तो भी मेरे ख्याल से 2-2.5 दशक से आप इसमें लगे हुए हैं। अपने देश के ऐसे कौन कौन से नाटककार हैं जो अपने, जिन्होंने आपके मानसिकता को भी प्रभावित किया है और प्रभावी रहे भी हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत मानसिकता को जिसने सीधा सीधा छुआ हो, जिसमें स्पार्क नजर आया हो आपको, जहां आपको लाइट नजर आई हो कि इस राइटर ने, इस निर्देशक ने, इसकी इस प्रस्तुति में इसने यहाँ कमाल किया है और मुझे इस पर सोचना चाहिए, तो ऐसे कोई है? हाँ, इसमें अगर नाट्य लेखक की बात करें तो बादल सरकार ठीक है। दिखाई पड़ते हैं। उनका उनका नाटक है जो हेवर्ट फास्ट के उपन्यास से प्रभावित है, एक घोड़ा भी तो मतलब था शायद, वो हाँ, कौन सा पगला था? घोड़ा। पगला घोड़ा। हाँ 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 पगला घोड़ा भी है। स्पार्टिकस उनका नाटक है, और भूमा खाबे जो है वो भूमा भूमा जो है, जी, भूमा जो उनका नाटक है, इसने काफी प्रभावित किया है। प्रभावित किया। और दूसरी जो इनकी है वो एवं इंद्रजीत। अच्छा। एवं इंद्रजीत हाँ, तो ये बादल सरकार जो है काफी महत्वपूर्ण रूप से मुझे दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने मेरे मेरे रंग विचारकी में, खासकर कण विषय वस्तु में, नाट्य लेख में जो योगदान दिखता दिया है है। हाँ, उनका, और प्रभाव भी वो दिखता हाँ, है और वो एकदम, मेरे काम पर भी आपको कई सारे नाटकों में दिखता उसका है। प्रभाव दिखेगा। इसी तरह से पुनः मैं वही नाम लूंगा, इसी तरह से हबीब साहब दिखाई पड़ते हैं। उनका जो नाटक है आगरा बाजार ठीक है। और चरणदास चोर, हाँ, मतलब ये इतने पॉपुलर हैं कि पॉपुलर ये उन मतलब हबीब साहब दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है। और ये केवल मैं ही नहीं प्रभावित हुआ, बहुत लोग इस इन नाटकों से प्रभावित हुए हैं। तो हबीब साहब के ये नाटक दिखाई पड़ते हैं। और विशुद्ध रूप से अगर लेखक की बात करें तो धर्मवीर भारती जी, साहब जरूर बहुत ही प्रभावित दिखाई देते हैं मेरे गिरीश काम में। कर्नाड साहब के बारे में क्या ख्याल है? और गिरीश कर्नाड साहब का जो नाटक है एक, जो जिस जिसमें मैंने काफी काम भी किया, लेकिन अच्छा, उसकी प्रस्तुति नहीं हो पाई, कोई वो बात निर्माण नहीं हो पाया, नहीं। लेकिन उस पर बाकी जो रंग प्रक्रियात्मक कार्य है वो जरूर पूरा किया गया है हाँ और उससे काफी वाकिफ हूँ। तो वो है नागमंडल। ठीक है। नागमंडल पर काफी काम, तो गिरीश कर्नाड साहब का जो नागमंडल है, और एक उनका है अग्नि एवं वर्षा, अग्नि और वर्षा, ठीक है। तो ये जो दोनों नाटक हैं ये काफी प्रभावी करते हैं। काफी समय बाद फिर जब मैंने उनका हैवदन पढ़ा और तुगलक पढ़ा हाँ, तो भी मुझे कमाल हैवदन है, और तुगलक काफी प्रभावी प्रभावी है, लगे। काफी प्रभावी है। तो मेरे काम पे जितना नागमंडल दिखता है ठीक है। और ये भूमा दिखता है, आपको चरणदास चोर दिखता है, आगरा बाजार दिखता है, तो उस तरह से अभी और भी मतलब अभी फिलहाल इस तरह से दिखाई पड़ते हैं कि ये सारे जो लेखक हैं, इसमें खासकर जो नाट्य निर्देशक भी हैं जी हबीब जी जी साहब, जी तो इस तरह से वो प्रभावित करते हैं वो काम को। आप काफी टाइम से राजस्थान हैं अब तो, और जैसा कि मुझे
जानकारी भी है कि कुछ प्रदर्शन आपके नाट्य प्रस्तुतियाँ जयपुर राजधानी में रंगमंच पे और जेकेके में भी हुई हैं। इसके अलावा भी आपके बीकानेर में, इलाहाबाद में और भी कई जगह प्रस्तुतियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो जयपुर में भी नाट्य प्रस्तुतियाँ हुई हैं और वो था वो असल में जवाहर कला केंद्र में ही हुआ। वाह क्या बात, तो कब की बात है ये? 2009 की बात है। बहुत अच्छा। और हम लोगों के जो मित्र हैं जयपुर के वो काफी उसमें शामिल रहे हैं। ठीक है। इन दिनों की बात करेंगे तो एकलव्य निरंतर एकलव्य नाटक एक है। अब एकलव्य नाटक एक ऐसा नाटक है जिसने रंगमंच में नाटक की पैदाइश को लेके, नाटक की आजमाइश को लेके, नाटक की सजावट को लेके, नाटक के बुनावट को लेकर एक अलग प्रकार का अनुभव दे जाता है हम लोगों को। ठीक है। वो इस तरह से कि एकलव्य नाटक में लगता है कि जो नाटक है वो अपने आप में एक सजीव यात्रा है। ठीक है। हमारी तरह ही उसकी उम्र जो है घटती और बढ़ती है मतलब बढ़ती है। तो एकलव्य नाटक की जो शुरुआत है, एक विद्यालय में मैं रंगमंच को लेके कार्य किया करता था सवाई माधोपुर में ही। वहाँ वो 3 से 5 मिनट की तैयारी, कभी उसकी प्रस्तुति की जो अवधि थी वो 3 से 5 मिनट की थी, भले ही उसकी प्रक्रिया 1-1.5 महीने चली हो। ठीक है। अब वो नाटक जो है करीब 70-80 मिनट का है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरा करीब 10-12 वर्ष की उसके अंदर एक यात्रा दिखती है। ठीक है। तो इस एक निरंतर एकलव्य का भी नाट्य प्रस्तुति जो है जवाहर कला केंद्र में हुआ है, यहाँ के स्थानीय जो रंगकर्मी हैं उनके साथ मिला के, और उसी की और भी प्रस्तुति यहाँ जयरंगम में एक नाट्य महोत्सव होता है उसमें इसकी प्रस्तुति हुई है। मेरे ख्याल से मैं 2016-17 मतलब 18 के आसपास हुई है वहाँ। बीकानेर में हम लोगों का एक ऐसा स्थान है जी बीकानेर में कि जहाँ पर हम लोग एक रंग महोत्सव को वहाँ पर करने का प्रयास, तो शायद 2-3-4 दिन का होता है। हाँ हाँ, ब्लू थिएटर फेस्टिवल वो हम लोगों ने ही इसको रचा है। और इसका नाम और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, अगेन वो वही जो सार्वभौम सवाल है इसमें अस्मिता और पहचान को लेके। जब मैं अस्मिता और पहचान की बात कर रहा हूँ तो केवल अस्मिता पहचान मतलब वो उसकी समग्रता की बात कर रहा हूँ, उसमें सारी चीजें जुड़ी हुई, एक व्यक्ति की पूरी मतलब जरूरियात से लेके बेसिक जो जरूरियात हैं जो राजनीतिक और सामाजिक चक्र में फंस जाती है वो सारे वहां पर हैं। तो ब्लू थिएटर फेस्टिवल इस तरह से इन सवालों के साथ खड़ा होता है, काफी चर्चित रहा है। हाँ। और बीकानेर के हम लोगों के रंगकर्मी साथी हैं सुरेश आचार्य, तो वो यहाँ वहाँ पर बीकानेर में इसकी कमान संभालते हैं हर बार। अच्छी बात है। तो इस सिलसिले में बीकानेर से एक गहरा ताल्लुक रहा है और रंगमंच को लेके। बाकी बीकानेर में जो सूफी संगीत की पूरी पूरा जो धरोहर है उस पे ज्यादा काम रहा है मेरा। राजस्थान के रंगकर्मियों की बात करें अपन तो कुछ नाम है जिनको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो मेरी नॉलेज में है काफ़ी, मतलब मैं 70 के दशक से बात शुरू करूँ अगर तो। मेरा परिचय हुआ सबसे पहले जयपुर रेडियो पर, जो ड्रामा करते थे वो थे नंदलाल जी शर्मा। अच्छा। वो फिर आगे फिल्म लाइन तक गए। उसी के आसपास उसी एरा में असरानी जयपुर से गए NSP। अच्छा। वहाँ प्रोफेसर रहे वो। अच्छा अच्छा, ये मेरे लिए काफी नया है मतलब। फिर आपके ये ओम शिवपुरी फैमिली, ज्ञान शिवपुरी, चांद शिवपुरी, ओम शिवपुरी, उनकी एक
बेटी है या बहू है, वो हिमांगी शिवपुरी ऐसे कुछ फिल्मों में है, लेकिन इन्होंने स्टेज को बहुत दिया। ओम शिवपुरी ने एक बड़ा नाम, उनके साथ ही आपके सरताज माथुर आते हैं, पिंचू कपूर आते हैं, और मदन शर्मा आज भी लिख रहे हैं राजस्थान जयपुर में, अच्छे नाटक लिख रहे हैं। और उसी कड़ी में एक नाम आपको देना चाहूँगा मैं, मेरे तो परिचित हैं, बेसिकली वो कहानीकार हैं और उनकी अधिकांश कहानियों की दिशा दलित विमर्श पर ही आधारित होती है मूल रूप से, और वो इस बात पे उनको प्रसन्नता भी होती है उन्हें कहा जाए कि वे दलित कथाकार हैं दलित साहित्य के, तो उन्हें अच्छा लगता, बुरा नहीं लगता। उन्होंने अपनी कुछ कहानियों का रूपांतरण किया नाट्य के लिए, उसमें उनकी तीन नाटक हैं जो विशेष चर्चित हैं, जिसमें एक है वीमा, एक बबूलिया, बबूलिया हाँ, और एक है उजास, उजास हाँ। तो इसमें जो वीमा है, महाराष्ट्र में करीब कोई 6 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, सिलेबस में है मतलब, और भी कई जगह हैं, और भी नाटक हैं। तो एक उनका आग्रह था जिसे मैं अपने इस संवाद कार्यक्रम में आप पूरा करना चाहता हूँ, उनका आग्रह था, फ़ोन पे आया मेरे पास कि वे राजकुमार जी को मेरी तरफ से नमन करना, और ये पुस्तक उनकी है नाट्य विधा पर, तो ये आपके लिए है। क्या बात है, शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया, और वो शुक्रिया रत्न कुमार सर, शुक्रिया, और वो ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर संभव हो तो इनको आप पढ़ें देखें, और कोई संभावना बनती है तो इसका मंचन भी हो, ऐसा उनका जो जिसे कहना चाहिए ना अंतरंग विचार जो उन्होंने मुझसे शेयर किया है वो है, तो आप देखना अगर ठीक लगे तो। जरूर जरूर, नाटक तो ठीक है ना, बीमा बबूलिया उजास, जरूर जरूर वो देखेंगे अपन आगे। अब मूल बात एक जो है विशेष रूप से रह गई कि आपको हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और आपने ये ऐसी टोंक जिले की ये सरजमी ऐसी है कि यहाँ साहित्य में गजलों को लेकर या उर्दू अदब को लेकर तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके आने से आपने इस नॉन फर्टाइल जमीन को ड्रामे के लिए फर्टाइल कर दिया। मतलब नाट्य शब्द से लोग परिचित ही नहीं थे कि ये भी कोई होता होता है सामान्य आप तो, मतलब लेकिन आप आए यहाँ और आपने किया, तो वो जो सारी प्रोसेस रहा कि कैसे आपने बच्चों को जोड़ा, युवा पीढ़ी को, उसके क्या अनुभव रहे, और उन बच्चों द्वारा इन 2-3 साल में जो प्रयास किए गए उस पर छोटा सा ग्रीन आउट दे दें आप तो अच्छा लगेगा। सर सर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, सवाल तो क्या मतलब एक खुला साझा है कि टोंक में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जी के साथ, उनके साथ कदम ताल करने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के जवान से मैं यहाँ पहुँच पड़ा, ठीक है, और इसी दिशा में लगा कि क्यों ना यहाँ पर भी रंगमंच का जो पूरी जो उसकी विराट भूमि है, क्यों ना उसका निर्माण किया जाए, और खासकर क्यों ना उसकी खेती शुरू की जाए, रंगमंच की खेती। हाँ। तो रंगमंच की खेती कहना ज्यादा मैं उत्तम समझता हूँ मेरी संप्रेषण के लिए, तो उस दिशा में टोंक में जो यहाँ मेरे आसपास के जो लोग हैं जिनसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा था, ठीक है, तो उनको किसी तरह से वो प्रेरित करना, क्योंकि जब आप रंगमंच की खेती करते हैं तो आपको सारी चीज़ों को एक साथ लाने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी होती है, बहुत ज़्यादा, तो किसी भी तरह की खेती में ये उसका एक पहला शर्त है कि आप अगर खेती करने के लिए तैयार हैं तो आपको इन सारे सरंजाम को इकट्ठा
निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी और बीज भी लाना पड़ेगा। सही है। तो उस दिशा में स्थानीय युवाओं को एक कार्यशाला के जरिए कि रंगमंच अगर नहीं हो तो क्यों ना, अभिनय एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शब्द है जिससे लोग काफी वाकिफ होते हैं और अपने अपनी तरह से वो अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो अभिनय की एक कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, और उसमें भी वही लोग थे जो मुखातिब होते रहते थे। तो इस सिलसिले से, इस कार्यशाला से एक रास्ता, एक सिलसिला आगे बढ़ता है, ठीक है, और करीब 4-5 वर्ष हो गए हैं उस वो सिलसिला जो है अभी आगे बढ़ रहा है। ठाकुर का कुआं एक कहानी है प्रेमचंद साहब की जी। तो उस कहानी का ही नाट्य रूपांतरण उस कार्यशाला में किया गया। वाह। और ये था कि वो एक ऐसी कार्यशाला बनाई जाए जिसमें एक बहुत ही सहज और स्पष्ट मुद्दा हो जो लोगों जो जो इसमें जुड़े हुए हैं जो युवा, उनको दिखाई और सुनाई और समझ में आए। तो इस तरह से एक प्रक्रिया, एक कहानी लिया गया और प्रेमचंद के नाम से भी अमूमन जो छात्र हैं वो परिचित होते ही हैं। ना, तो इस तरह से एक तो नाटक तैयार हो रहा था, दूसरा वो नाटक तैयार होने के पीछे का भी उद्देश्य था कि आगे भी नाटक तैयार हो सके। हाँ। तो इस तरह से उसको गढ़ा गया और रचा गया, ठीक है, ताकि उनको समझ में आए कि ये रंगमंच भी एक चिड़िया का नाम है और ये भी उड़ती है और उड़ते हुए अरे बहुत अच्छी बैठ जाती है, ये चिड़िया उड़ती है। सुंदर बात कही। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि उस नाट्य प्रस्तुति के बाद जो लोग जुड़े थे, निश्चय ही जो संकट टोंक के नाट्य दल के साथ है, वही विश्व के तमाम नाट्य दलों के साथ संकट होता है। होता एक समय के बाद उनके घर से सवाल आने लगते हैं कि बस एक बार तो हो गया, अब बार बार क्या। सही है। तो इस तरह की चीजें आने लगती हैं। तो उस संकट से ये समूह भी जूझ रहा है। और लेकिन जो लोग रुके हुए हैं वो अब इसको अपना एक वैचारिक शान बनाने के लिए मतलब वो अपने धार बना रहे हैं, लगभग दिशा तय कर चुके हैं। हाँ, लगभग। हाँ। और अब तो कई लोग इसमें अपने भविष्य की जो ज्योति है, भविष्य की जो ऊर्जा है, भविष्य का जो दमखम है, वो इसमें देखना शुरू कर रहे हैं। नहीं, एक मतलब, एक युवा लड़के का नाम तो बहुत चर्चित है आपके इस सारे प्रयासों में, मोहित वैष्णव। हाँ, काफी चर्चित है, मीडिया में भी काफी आता है और बहुत सारे कार्यक्रम दिखाई देते हैं उसके द्वारा भी संपादित। तो ये सब आपका जिसे कहना चाहिए कि एक अपनत्व से भरा, उसके लिए जो मार्गदर्शन आप कर रहे हैं उसको एक लाइन पकड़ा रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें पब्लिक में बीच में खड़े होना है, चाहे कोरोना की बात हो या किसी और बात हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हों। लेकिन वो सुनने में आया, देखने में भी आया कई बार यहाँ भी, और प्रॉपरली जिले के हेडक्वार्टर पे नहीं और जगह भी सुनने में आया कि जितने उपखंड या उप तहसील क्षेत्र हैं वहाँ भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब इसके अंतर्निहित तो आपकी ही सोल चल रही है इसमें। हाँ, मतलब वही एक बात जोड़ ही रहा था उसमें कि एक ऐसा समय आएगा ऐसा लगता है। इस वजह से इस नाट्य दल में अभी से ही उस प्रक्रिया को शामिल किया जा रहा है। हाँ। कि टोंक शहर में कई सारे नाट्य समूह हो बने, ठीक, तो वो या भी इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो साथी जुड़े हुए हैं, जैसे मोहित है, ठीक है, और यहाँ अमन है, रवि है, निलेश है, यहाँ तक कि यहाँ पर बाहर के भी जो साथी हैं, दूसरे शहर से भी आके जो काम सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं, दीपक हैं, फिरोज हैं, रवि हैं, तो ये है कि वो इसमें बतौर निर्देशक भी अपना अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बात है, ताकि कई सारे निर्देशकों का जो मंडली बनेगी, तो कई सारी रंग मंडलियां जो हैं, कई सारी रंग खेतिहर किसान निकलेंगे। हाँ, अलग अपनी फसल लेके आएंगे। हाँ, त,
तब जो दिन होगा, तब जो समय होगा, एक अलग गति देगा रंगमंच को। सूरज तो एक ही होगा लेकिन बिंब अलग अलग होंगे। हाँ, रंगमंच की गतियां बढ़ाने की दिशा में। तो राजकुमार साहब, थोड़ा समय का भी रहता है अपने साथ, तो मैं आज के इस वार्ता को यहीं विराम देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का। और आप सबसे निवेदन है, अपने कमेंट दीजिए, प्रस्ताव दीजिए, सुझाव दीजिए और हम उन पर कार्य करने का उनके अनुसार हर संभव प्रयत्न करेंगे। नमस्कार। शुक्रिया सुनने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू।